ब्रेक ऑयल इज वन ऑफ मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आवर बाइक, बट हम इसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। हम इस पे कभी भी नोटिस नहीं करते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक ऑयल्स के बारे में लोगों को उतना पता भी नहीं होता है। कई तरीके के ब्रेक ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक .3, .4, .5, .5.1, बट हम उनके बारे में कभी नोटिस नहीं करते हैं। और हमें कंपनी के थ्रू जो ब्रेक ऑयल दिया जाता है, हम उन पे ही बाइक को चलाते रहते हैं। ब्रेक ऑयल्स को चेंज करना सही है कि नहीं, उनका ड्रेन इंटरवल क्या है, उनकी लाइफ क्या है, और क्या हमको .5, .5.1 पे अपग्रेड करने की जरूरत है कि नहीं, हम इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। सो हे देयर गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज उत्कर्ष एंड यू आर वाचिंग यूएनए ब्लॉग्स। फॉर माई ब्रेकिंग सेटअप, एज यू सीन इन माई प्रीवियस वीडियो, आई एम करेंटली यूजिंग सिरेमिक ब्रेक पैड्स इन माई फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एंड स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन फ्रॉम डोमिनार 400। हमारी ब्रेक को फर्दर और इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें .5.1 ब्रेक ऑयल को यूज करने वाले हैं। नाउ यू विल बी थिंकिंग दैट हमारी ब्रेक कैप पे तो .3 या .4 लिखा होता है, तो हम .5.1 को क्यों यूज कर रहे हैं, एंड वाई ओनली .5.1 नॉट .5? सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हम आगे इस वीडियो में देंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। सो ब्रेक ऑयल्स की बात करें तो देयर आर मेनली चार टाइप के ब्रेक ऑयल्स आते हैं, .3, .4, .5, .5.1। .3 की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रेक ऑयल है। सो .3 की ड्राई बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका ड्राई बॉइलिंग पॉइंट है 205 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज .4 की ड्राई बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो है 230 डिग्री सेल्सियस। .5 बॉइलिंग पॉइंट है 260 डिग्री सेल्सियस, एंड वेयर एज .5.1 की ड्राई बॉइलिंग पॉइंट है 270 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू विल बी थिंकिंग 203 डिग्री सेल्सियस इज ऑल इनफ फॉर अस, राइट? देन व्हाई वी नीड टू अपग्रेड आवर ब्रेक ऑयल? लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी हम अपने ब्रेक पेडल से फोर्स अप्लाई करते हैं एंड ब्रेक ऑयल ट्रेवल थ्रू आवर ब्रेक लाइंस एंड एंगेज आवर ब्रेक पैड्स टू द डिस्क ब्रेक, बिकॉज ऑफ दैट उस टाइम पे बहुत ग्रेटर अमाउंट में हीट जनरेट होती है। एंड इवन आवर इंडियन कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें, स्पेशली समर कंडीशन, तो हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर को रीच करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को कई बार क्रॉस कर जाते हैं और हम उसको नोटिस भी नहीं करते हैं। दैट्स वाई वी नीड बेटर ब्रेक ऑयल फॉर आवर सेल्फ। सो अगर हम ब्रेक ऑयल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो .3, .4 एंड .5.1 ग्लाइको बेस्ड फ्लूइड्स हैं। इनमें बेसिक डिफरेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स का है। यू कैन अज्यूम .3 हैज मोर वाटर और हैज हायर वाटर कंटेंट देन .4 एंड .5.1। और अगर .4 की बात करें तो .4 हमारा रिफाइंड वर्जन है .3 के कंपैरिजन में। .4 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, उसमें वाटर कंटेंट भी कम है। .5.1 की बात करें तो वो फर्दर और इम्प्रूव वर्जन है .4 का, ये हमें बहुत ज्यादा रिफाइंड मैटर में मिलता है, बट नॉर्मल ब्रेकिंग के लिए हमें .4 इनफ है। नाउ यू विल आस्क, इफ .4 इज इनफ देन व्हाई वी नीड .5.1? सो इफ यू आर अ हाईवे क्रूजर लाइक मी एंड इफ यू राइड योर व्हीकल स्पीडफुली लाइक ऑलवेज यू टच 100 एंड 100 अबव, देन आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर .5.1 बिकॉज ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड लेस वाटर कंटेंट। इट नॉट गोना वेपरेट इन योर ब्रेक सिस्टम, एंड व्हेन इट नॉट गोना वेपरेट, यू नॉट गोना फील एनी काइंड ऑफ ब्रेक फेडिंग इशू, जो कि हमें कॉमनली .3 एंड .4 में देखने को मिलता है, क्योंकि वाटर कंटेंट जब भी होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद वो वेपराइज होगा, और जिसकी वजह से हमारी ब्रेक सिस्टम में हमें एयर बबल्स मिलते हैं। ये प्रॉब्लम हम .5.1 के थ्रू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। यू विल डेफिनेटली वांट टू नोटिस द ब्रेकिंग इंप्रूवमेंट आफ्टर चेंजिंग योर ऑयल। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि व्हाई .3, 4, 5 एंड 5.1? सो लेट मी एक्सप्लेन इन द सिंपल मैनर। .3 ओल्डेस्ट ऑयल है और ये चीपेस्ट भी पड़ता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये कंपनी इसको कॉस्ट कम करता है एंड वो इजिली इसको मास प्रोड्यूस होता है। .4 भी कॉमनली अब बाइक्स में हमें देखने को मिलता है। .5 एंड .5.1 हमें बाइक्स में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। इवन अगर .5 की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो .5 हमारा सिलिकॉन बेस्ड ऑयल होता है, इसको हम नॉर्मली अपनी ब्रेक सिस्टम में नहीं यूज कर सकते हैं। Whereas, हम .3, .4 एंड .5 की बात करें तो ये ग्लाइकोल ईथर बेस्ड ऑयल होते हैं, सो इनको हम अपनी ब्रेक लाइन में यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि व्हाई .3, .4 एंड .5.1, जबकि हमारी कैप पे नॉर्मली .3 एंड .4 ही लिखा हुआ है। सो लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल मैनर्स। .3 एंड .4 दीज आर ओल्डर ऑयल,
और हमारी ब्रेक सिस्टम जो अभी करेंटली हमारी बाइक में यूज़ हो रहे हैं वो भी इतनी कोई न्यू नहीं है, इनकी R&D ओल्ड टाइम पे ही हुई है, अभी तक उन्होंने कंपनी ने रीप्रिंट नहीं किया है। डॉट 5.1 हमें 4 times ज़्यादा कॉस्ट करता है एज कम्पेयर टू डॉट 3, जबकि इनकी कंस्ट्रक्शन सेम है, बट इसलिए हमें कंपनी डॉट 3 एंड डॉट 4 लिख के देती हैं, लेकिन हम डॉट 5.1 को भी अपने ब्रेक सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बिकॉज वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही थी एंड आई नो एज अ स्मॉल क्रिएटर यू गाइज डोंट लाइक टू वॉच लॉन्गर वीडियोज, सो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट जब मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ यू विल गेट नोटिफाइड, एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस प्रोडक्ट और ब्रेक ऑयल देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो।